नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि जैसे जैसे हम पहले भी आपको बताते रहे हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, इसलिए आए दिन सियासी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन कल का जो अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के जो वक्तव्य थे, जो उनके संबोधन थे, उनसे लगता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आत्मविश्वास जो है सातवें आसमान पर है और अति आत्मविश्वासी होते जा रहे हैं और 400 का आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने अपने सारे संबोधन में एक तो पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि अगले 100 दिनों के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें और सभी का आत्मविश्वास जीतने का प्रयास करें, और दूसरी ओर कांग्रेस को निरंतर आड़े हाथों लिया है। आपको बताते हैं कि क्या इस अधिवेशन में खास खास बातें रही और क्या क्या कहा गया। जीत का मंत्र दिया है पीएम मोदी ने, 2024 में 400 पार का दिया है, वादा किया है। विपक्ष भी कह रहा है एनडीए 400 के पार, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का तंज कसा है उन्होंने। जीत का मंत्र, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा अगले 100 दिन के लिए आप कमर कस लीजिए, यानी लगातार 2024 की तैयारियां अब आखिरी चरण में है। जैसे T20 टूर्नामेंट के फाइनल के आखिरी ओवर्स होते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस और बाकी दल भी, इंडिया एयरलाइंस भी उसी तर्ज पर चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी कुछ और है। जिस तरीके से कल अधिवेशन संपन्न हुआ और अधिवेशन के बाद भी जो अलग अलग स्टेट की अलग अलग मीटिंग्स हुई, उसमें भी स्ट्रेटेजी तय की गई, और ये कहीं ना कहीं बाकी जो सियासी जमातों हैं उनके लिए भी एक खास संदेश है कि किस तरीके से इलेक्शन लड़े जाते हैं, इलेक्शन कैसे मैनेज किया जाते हैं, इलेक्शन की रणनीति क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी की ये मीटिंगें, ये उनकी रणनीति, ये स्ट्रेटेजी इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के 2024 में 400 सीटें जीतने के लिए कमर कस ली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं, पहले दर्शकों हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में एक्चुअल में कहा क्या, जो बड़ा जरूरी है। 2400 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई, तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर, देश के लोकतंत्र को
भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर करना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में, तो दर्शकों अब हम बताते हैं कि ओवरऑल अधिवेशन का लभोलुभाव क्या रहा, क्या क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से देश को बचाना बीजेपी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। गाली गलौज और झूठ आरोप ही कांग्रेस का महत्वपूर्ण एजेंडा है। देश ना छोटे सपनों से देखा सकता है और ना ही छोटे संकल्प। जो काम सदियों से लटके थे, समाधान का साहस भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने दिखाया। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार। कांग्रेस अस्थिरता, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण की जननी है। ये तीन आरोप, संगीन आरोप लगाए हैं। अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कांग्रेस रचती आई है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा है ही नहीं। वो देश को भाषा क्षेत्र और आधार के क्षेत्र के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए नए आधुनिक विचारों के लिए खुला रखा है वर्षों। तो दर्शकों हम आपको मिलाते हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं और चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी से। चंद्रमोहन शर्मा जी आपका स्वागत है, फॉर्मर मेयर हैं, बीजेपी के बड़े नेता। आपका स्वागत। सुरजीत सिंह जी हैं। सुरजीत सिंह जी आपका स्वागत है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट आदित्य गुप्ता, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ नम्रता शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज और जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी, आपका भी स्वागत है। नम्रता जी, आप पर जो आरोप लगे हैं, यानी कांग्रेस पर जो आरोप लगे हैं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, इवन गृहमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह जो युद्ध है, यानी 2024 के जो चुनाव हैं, ये कौरव बनाम पांडव है, यानी इंडिया अलायंस, जिसको आप कभी कभी इंडिया अलायंस भी बोलते हैं, उसको कौरव बताया है और खुद को, यानी एनडीए को पांडव बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सुशासन में बिलीव करती है और जो इंडिया अलायंस है या कांग्रेस है वो कुशासन में बिलीव करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया परिवार, इंडिया अलायंस कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति का पोषक है, उसको बढ़ावा देती है, लेकिन एनडीए का सिद्धांत राष्ट्र प्रथम है। क्या कहेंगे आप? अजीब सी बात है कि प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब उन्होंने भाजपा को कांग्रेस युक्त कर दिया है। उनका मतलब था कि जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस के अंदर हैं, जिनको मैं भ्रष्टाचारी कहता हूं, जिन पे मैं कुनीतियां कुशासन का आरोप लगाता हूं, उन सबको मैं भाजपा में लाऊंगा और भाजपा की वॉशिंग मशीन, चाहे वो वर्लपूल की है या कोई और कंपनी की है, उसमें ऐसे सफा करूंगा कि वो धर्माचार्य बन जाएंगे और उनको फिर मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उनको मैं राज्यसभा में भेजूंगा। लाते ही, क्योंकि इनके पास उतने नेता नहीं है कि उनके अपने नेता जा सके, उस काबिल नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नितिन गडकरी चुनाव लड़े, योगी जी को चुनावों से परे रखा जाता है। तो जो कलह, अंतर कलह भाजपा के अंदर इस वक्त है, जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो ज्यादा देखने दिलचस्प है। अकाली दल पंजाब के अंदर इनके दल से खिसकता जा रहा है, किसानों के लिए उसको अपनी साख बचानी है कहीं ना कहीं। जोरम थामा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, जब मणिपुर में वो चुनाव मणिपुर की घटना को लेते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को साफ कहा कि आप यहां मत आइएगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो साफ देखने को मिलती है। और जो उथल पुथल है चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री के, उनको तो 270 का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से कभी नीतीश कुमार को ले जाने की कवायद, कभी जयंत चौधरी को फुसलाने की कवायद, और विभिन्न पार्टियों से किस तरह से तोड़फोड़ मचाई जाए, समाजवादी के अंदर किस तरह से आज तोड़फोड़ मचाने की कवायद। लेकिन देखिए, होता वही है जो भगवान चाहते हैं, प्रभु राम चाहते हैं। 22 जनवरी को हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा है, 22 जनवरी भी नहीं आई। 22 जनवरी जिसमें एक अभिजीत मुहूर्त के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने ये सब कुछ किया, जिसमें हमारे श्रेष्ठ शंकराचार्यों का भी अनादर किया गया, उसको गुजरे भी एक महीना भी नहीं हुआ,
22 फरवरी भी नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कील ठोक दिया इनके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और कहा कि इसमें हवाला का पैसा इन्वॉल्व है, कितनी शेल कंपनीज बाहर विदेशों में होंगी, आपने डिफेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने इस पर अब्सटेन क्यों नहीं किया, आपने क्यों ऑप्ट किया, आपने भी बॉन्ड लिए हुए हैं, हमारे बॉन्ड्स की जो चली है सारी खोल के बता दी, इसीलिए तो इनकम आईटी जिस पे हम आरोप लगाते हैं कि आज वो चरण चुंबक बन के बैठ गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसने जब राहुल गांधी एंटर होते हैं यूपी के अंदर हम अपनी सभाएं आयोजित ना कर सके, अन्याय के विरुद्ध जो हम यात्रा चला रहे हैं उसको रोक सके, हमारे जो अकाउंट है उनको फ्रीज कर दिया जाता है और छोड़ के इंडियन यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स को, और आधार क्या बताया जाता है कि आधार है 2018-19 में हमने अपना 40 या 45 दिन हमने आईटी रिटर्न भरने में देरी कर दी और कितना एरियर बताया 212 करोड़ का, जिसमें हमने सारी चीजें क्लियर कर दी थी, सिर्फ जो पैसा धन राशि थी वो सिर्फ जो एमपीज और एमएलए ने अपनी तनख्वाह पार्टी को दान में दी थी उसकी सिर्फ एक चिट्ठी थी जो नहीं बताई गई, तो इस तरह के जब काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो घबराया हुआ साफ प्रधानमंत्री जी जो आज चुनावी रैली में नहीं आपने कहा सीखना चाहिए विभिन्न पार्टी को, नहीं सीखना चाहिए प्रधानमंत्री से कुछ भी, क्योंकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ के प्रधानमंत्री होते हैं, खाली एक पार्टी विशेष के नहीं होते, लेकिन प्रधानमंत्री की जो भूमिका पिछले 10 वर्षों के अंदर इस साल इस देश ने देखी है वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री चाहे वो संसद के अंदर बैठे थे, आज भी आप किसी भी कार्यकर्ता आप नड्डा साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं लेकिन मोदी जी आज भी किसी विषय पे आपका उत्तर देने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना ही कैन नॉट स्पीक अ वर्ड, ही हैज टू लर्न द लेसंस बिफोर ही कम्स टू द पब्लिक, आपके पास फिर लौटेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कि घर की लड़ाई बाहर क्यों जाती है, आपके लोगों को कितनी आसानी से बड़े बड़े कद्दावर लोगों को कितनी आसानी से ये ले जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है चंद्रमोहन जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतना आत्मविश्वास क्या ये डर का कारण है या वाकई में आपको लगता है कि आपने किले फतेह कर लिया है? विनोद जी जिस बच्चे ने मेहनत की होती है जी, मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ जी, वो कभी रिजल्ट देखने नहीं जाता जी, मैं अपनी बात करूँ मैं जितना कभी मैं स्कूल में रिजल्ट लेने नहीं गया, हमें पता होता था कि इतनी मेहनत की है ऐसा पेपर किया हम पास होंगे, इसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर मेहनत की परिभाषा प्लीज हमें थोड़ा सा बता देंगे, कुछ डाउट है अभी बताता हूँ, मेहनत की परिभाषा जितनी मेहनत फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी ने मेहनत की है, इनकम टैक्स ने मेहनत किया है, आईबी ने मेहनत किया है, वाशिंग मशीन ने मेहनत किया है, और कौन सी मेहनत है या तोड़फोड़ की राजनीति, 416 के करीब आपने एमएलए खरीद फोक किया, क्या इसको मेहनत बोलते हैं? कमलनाथ को भी आप ज्वाइन करवाने वाले कोर्ट देख रहे हैं जो छोड़ के आएगा बोलते हैं। अभी नरोत्ता बहन बात कर रही थी कि अपना वो अंतर कला तो कांग्रेस में पड़ी हुई है, कला पड़ी, भाग रहे सारे एक एक करके, अब कोई आएगा आपके पास, कोई आए तो आपके घर में आप क्या उसको धक्का मारोगे गेट से बाहर, उसको अंदर बिठाओगे, पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे, फिर उसको पूछोगे क्या बात है। इस तरह आज पूरे देश के अंदर इतना, मैं अभी जो कन्वेंशन हुई है वहाँ दिल्ली के अंदर, मैं 2 दिन वहीं था, मैं 12,000 पूरे देश से हमारे नेता आए थे, कार्यकर्ता नहीं नेता मेरे स्तर के, और क्या वहाँ उत्साह था, किस किस्म की वहाँ वो था कि आज 12 महीने 24 घंटे राउंड द क्लॉक हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो संगठन है रेगुलर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है दूर दराज पहाड़ों में आदिवासी क्षेत्र के अंदर, वो जो एक हमारे अंदर उत्साह है वो आगे आके तब हमारे जो नेता जी हैं, तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, उनके तब हमारे बलबोते पे, कार्यकर्ता के बलबोते पे वहाँ बोलते हैं, और आने वाला वो समय जो है आपको सामने दिख रहा है, बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव होंगे, आप देखना जो बातें कही जा रही हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी और एनडीए हमारा 400 पार करेगा, इस किस्म का पूरे देश के अंदर माहौल है। हम लोग एक राजनेता के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं, सबसे हमारा रब्ता रहता है, हर शहर की हमारे पास खबर होती है, हम आपस में बातचीत करते रहते हैं, हर जगह एक ही लहर है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की लहर है, कमल ही कमल है चारों ओर। अब कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जम्मू आ रहे हैं, अब कल का ही जम्मू कश्मीर के अंदर लहर देख लेना, आज बहुत से लोग मुझे कहने में क्या हर्ज है कि सारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, आज आप देखो कश्मीर के रखा जाता है, अब फरुखदुल्ला साहब हमारे क्या कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, नेहरू ने ही मेरे बाप को अंदर रखा 19 साल, अमर अब्दुल्ला क्या कह रहे, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही, हम अकेले ही हम चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें ना जो इंडिया अलायंस बना था, आज उसकी हालत क्या है, अब उसके साथ 9 ही दल रह गए, बाकी सब निकल रहे हैं, जिसने इंडिया अलायंस बनाया नीतीश कुमार ने वही छोड़ के चला गया, अब ये क्या संभालेंगे और क्या करेंगे।
आने वाली हालत जो कांग्रेस की पिछली बार 44 सीटें हैं ना, उससे भी कम होने वाली है। आदित्य जी, आप यंग लीडर हैं, पेशे से एडवोकेट भी हैं, इतना का आत्मविश्वास के पीछे क्या पृष्ठभूमि रहती है? ये एक तो होता है कि अपने कार्यकर्ता का मनोबल बना दीजिए, दूसरा ये लगता है कि आपको पूरा विश्वास है कि आप 400 पार कर, 370 तो उन्होंने कहा है कि हमने श्रद्धांजलि देनी है, असल श्रद्धांजलि अब देंगे 370 से ज्यादा सीटें लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए ऐसा है कि मैं पूरा जो इनका कल का 2 दिन का कन्वेंशन हुई है उसके बारे में बोला। आपने विनोद जी बहुत शादियाँ अटेंड की होंगी, हर रिसेप्शन बढ़िया होती है, क्या हर शादी डिवोर्स तक नहीं जाती? कुछ शादियाँ जाती हैं ना, तो ये जो ये कहना कि नहीं साहब हर हमारा इवेंट ही सक्सेसफुल है, वही है, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को और गवर्नमेंट को इवेंट मैनेजमेंट पार्टी कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया इवेंट करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये बात छुपा, प्रधानमंत्री ने कल ये बात भी बोली कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ। यस, क्योंकि वो लोग अपने लिए मुफ्त राशन तक, उस राशन तक के लिए रोजगार के लिए, या उनके पास पैसा नहीं है ताकि वो घर का पोषण कर सके, तो ये एक दिक्कत है समाज की। दूसरी बात ये है, जब अभी 13 मार्च आप देख एक तारीख फिक्स की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो 13 मार्च को जब वो 95% बॉन्ड के दर जो इनको पैसा गया हुआ है उसके अंदर उस कॉर्पोरेट का नाम निकलेगा, फिर विनोद जी आप जैसे सुलझे हुए जर्नलिस्ट खुद देखेंगे कि यार अगर इस कंपनी ने इतना बॉन्ड में पैसा दिया, इसको कौन सा ठेका मिला? अब बात करते हुए प्रधानमंत्री ये कहते ना कहाँ स्कैंडल, ये स्कैंडल प्रधानमंत्री ने ही बनाया है। ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार मनी बिल की शेप, ताकि राज्यसभा बाईपास किया जाए, इसमें मनी बिल वाला कुछ भी नहीं था, राज्यसभा बाईपास की जाए। दूसरी बात, जब इसमें अमेंडमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर और इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंदर इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन दोनों ने कहा था कि साहब इससे पारदर्शकता जो इलेक्शन के अंदर होती है वो खतरे में है, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर 370 के जजमेंट के ऊपर छाती ठोक कर वो इररिलेवेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां सब बराबर है। जब आपने पूरे समाज को बांट दिया उस समय, अगर कोई माइनॉरिटी का है वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट नहीं देता क्योंकि वो उनसे डरता है, भारतीय जनता हर हिंदू ये कहता है मुझे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए क्योंकि उससे मैं हिंदू होना साबित होता है, उससे आप देशभक्त नहीं हो रहे साहब जी। और अपर से अगर एक जो आइडिया दिया जाता है 370 का, हम आपको एक आंकड़ा देता है, 38% वोट पड़ा हुआ है, 80% देश की आबादी हिंदू है, तो अगर हिंदू आबादी भी आदि आपके साथ नहीं है तो आप कौन सा नैरेटिव बेच रहे हो? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता साहब, आप जाकर इसराइल की मदद कर रहे हो, आप अमेरिका में क्या नाच रहे हो, या आप यूएई में क्या कर रहे हो, उसका ये लेना देना होता कि शाम को क्या मेरे घर पर रोटी आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ विनोद जी, अगर ये मैंने अपने ऊपर लिया, मैं चाहता हूँ कि सब लोग यही बात करनी चाहिए कि आप वोटर को और आम आदमी को बोलो कि साहब इस बारी वोट देना है तो अपने बच्चे के लिए वोट देना, मंदिर के लिए वोट मांगते थे बन गया ना, इस अगली बारी अपने बच्चे के रोजगार के लिए, अपनी आमदनी के लिए और समाज में परिवर्तन के लिए अगर आज वोट देना है, डर की राजनीति है ना, हम लोग क्या बन गए हैं, हम लोग वो बन गए हैं कि हम डर की राजनीति, इसको वोट नहीं देना। आदित्य जी, आपकी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इलेक्शन लड़े हैं, आप तो ज्वेल करेंसी पे वोट मांगते थे, आपने कहाँ वोट मांगे? बच्चों की रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपने ज्वेल करेंसी के लिए मांगे, सेल्फ हेल्प के लिए वोट मांगे? आज मैंने आपके सामने खड़े होकर बोला है भाजपा के बैठे मांग ले जी, मंदिर को पीछे करे मांग ले वोट। चलिए सुरजीत जी, आप अभी रिसेंटली एक कहा गया था जब गुपकार अलायंस बना था, एक उम्मीद थी कश्मीर की आवाम को कि एक यूनाइट लक्ष्य लेकर के 370 के फेवर में कि 370 की वापसी होनी चाहिए, 35 से वापस आना चाहिए, उसको लेकर के एक गठबंधन बना था, गुपकार अलायंस जिसको कहते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता पहले उमर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, अब महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया कि हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, तो कहाँ गया वो काज जो कहते थे ब्रॉडर काज के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं? विनोद जी, 370 की बात तो अब शायद ख़त्म हो गई है जी, हमने ये मानना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फैसला दे दिया तो अगर आज हम उसको कोई भी पार्टी बात करती है तो वो एक गलत बात है जी, इसका मतलब ये होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, उस बात को हम आज छोड़ दें। रही बात एनसी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कि हमने एक गुपकार ग्रुप बनाया था, एक कोशिश है, आज भी कोशिश है, महबूबा जी ने कह दिया है, लेकिन आज भी हमारी कोशिश है, ये सियासत है, पॉलिटिक्स है, रातों रात क्या हो जाए,
कमलनाथ जी ये कल जा रहे थे, अभी नहीं जा रहे हैं, बात हो रही है, ये सारा सिलसिला आप देखते हैं। हमारी ये कोशिश होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि एक ज्वाइंट फ्रंट जो है, जो ऐसी फोर्सेस जो डिवाइड करती हैं जात पे, उनको दिया जाए। और आप लोगों ने विनोद जी भूलना नहीं चाहिए, इस जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मेंबर पार्लियामेंट जिताकर भेजा था, कोई ज्यादा देर की बात नहीं थी। बीजेपी में चले गए और ये बीजेपी वाले आज 370 की बात करते हैं। बीजेपी वालों ने ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी पार्लियामेंट में इनके दो एमपी थे, तो हम क्या आज ये चीजें इनका 370 सोच के हम क्या अपने घर पे बैठ जाएं? जी हम पूरे जोर से लड़ेंगे और इनको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्या कर सकती है, और इसके साथ जो हमारे कॉमन सोच वाले लोग हैं उनको साथ लाने की कोशिश लास्ट तक करेंगे। जी ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये हाईकमान पे है हमारे, वो जो फैसला लेंगे उसको हम मानेंगे और कोशिशें चल रही है। जी अगर ये 370 सीटें या 400 पार ये सोचते हैं कि है, तो फिर विनोद जी इनको डरने की क्या जरूरत है? जी कभी ये कमलनाथ जी के पीछे भाग रहे हैं, नीतीश कुमार जी को तोड़ लिया, कभी ये वहां से अशोक चौहान जी को तोड़ रहे हैं, तो डरने की क्या जरूरत है जी? जी आप लड़िए ना जी, आप तो 400 के पार हैं जी, तो फिर घबराहट किस बात की? फिर रोज आप जोड़ तोड़ क्यों कर रहे हैं जी? तो विनोद जी ये इनका डर बताता है कि ये डर है, और लोगों को बताना चाहते हैं हम 370 ला रहे हैं, आसान नहीं है डर के आगे जीता। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, चंद्रमोहन जी आपके पास आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।